नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम मिश्रा, पॉजिटिव इंडिया न्यूज। एनएचएमएमआई ने हाईटेक मॉडर्न ब्लड बैंक की शुरुआत कर दी है। इस ब्लड बैंक की स्टोरेज कैपेसिटी 2000 यूनिट्स है। हाईटेक टेक्निक के जरिए एक ब्लड चार मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो पाएगा। एनएचएमएमआई कोविड केयर सेंटर की स्थापना के बहुत नजदीक है। जैसे ही सरकार अप्रूवल देगी, वैसे ही एनएचएमएमआई कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ कोविड केयर सेंटर चालू कर देगा। हमारे हॉस्पिटल में कोरोना के लिए हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस बनाया है। आने वाले समय में हम गवर्नमेंट से परमिशन लेकर अपने हॉस्पिटल में ही कोरोना टेस्टिंग की फैसिलिटी लाने वाले हैं। शायद हम एक सप्ताह भर में अगर इस सुविधा को उपलब्ध करा पाएंगे, इससे ना केवल सभी अपने रायपुर और रायपुर के एडजॉइनिंग एरिया से आने वाले मरीजों को लाभ होगा, उसके साथ साथ चिकित्सकों को भी उपचार देने में बड़ा लाभ मिलेगा। और हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिपोर्टें उपलब्ध करवा पाएं। हेल्थ इंडस्ट्री में नवीन शर्मा के बेहतर अनुभव का लाभ एनएचएमएमआई को मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। मैं चिकित्सा क्षेत्र में करीबन 27 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं देश में अलग अलग स्थानों पर मुझे सौभाग्य मिला हॉस्पिटलों में काम करने का। इससे मुझे एक पर्याप्त अनुभव मिला पूरे देश भर में कि किस तरह से चिकित्सा प्रणाली अपने देश भर में है। जी, मेरा यहाँ रायपुर आने से पहले मैं दिल्ली में कुशवाहती सिंघानिया हॉस्पिटल में करीबन 9 वर्ष से था, जो अपने आप में एक अग्रणी हॉस्पिटल है गैस्ट्रो यूरो नेफ्रो किडनी ट्रांसप्लांट लिवर ट्रांसप्लांट में। मैं अपना ये जो 27 वर्ष का अनुभव है उसको सदुपयोग करना चाहता हूँ एनएचएमएमआई के साथ, जिससे कि जैसे मैंने अभी पहले भी वार्ता में कहा कि रायपुर और छत्तीसगढ़ से बहुत से लोग चिकित्सा के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। हम एक ऐसी टीम लेकर आए हैं, हमने एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली और ऐसी चिकित्सकों की टीम बनाई है, जिससे हम सब लोग, ना केवल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ राज्य में ही रहकर रायपुर में ही अपना चिकित्सा करवा पाएँ।